वेलकम यू ऑल इन द बगड़ियाबाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेज. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन HTML चैप्टर नंबर 7. इन लास्ट वीडियो वी रीड अबाउट हाउ टू इंसर्ट टेबल और लिस्ट इन HTML एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट एंड टेबल्स. इन दिस चैप्टर द फर्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग इमेज इन HTML. You can insert image in HTML document, and to insert image use img tag. It does not have a closing tag and thus it is an empty tag. जब आपको insert image को insert करना है तो अपन क्या use करेंगे? Image tag का use करेंगे, img tag का use करेंगे. और img जो tag है वो closing tag नहीं है. It means ये क्या एक empty tag, इसको close नहीं करना पड़ता. देर आर सम एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विथ दिस टैग. इसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स है जिसमें फर्स्ट इज SRC. स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ इमेज. ये क्या करता है? आपकी इमेज की लोकेशन को स्पेसिफाई करता है, या अपन इसे कह सकते हैं URL. जैसे आपके सिंटेक्स में दे रखा है, अपन सबसे पहले लिखेंगे img देन SRC और उसके बाद में उसका URL. URL means a location of image. Next is height. Specify the height of the image. यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी हाइट है उस एट्रीब्यूट को लिखेंगे, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो नॉर्मली किसके अंदर होगी? पिक्सल के अंदर. इवन आप इसको जो परसेंटेज के अंदर भी दे सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपना जो स्क्रीन का 50% या 60% ये इमेज कवर करे, तो उसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज में भी ये वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट ऐसे आपका आता है विड्थ, टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द इमेज. और नेक्स्ट आपका आता है लास्ट, वो आता है अल्टर. स्पेसिफाई अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज. देखिए क्या होता है कि जनरली जब आपकी कोई इमेज है वो अगर शो नहीं होती है, तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई अल्टरनेट टेक्स्ट है वो शो कर सकते हैं. तो इसके लिए आपका आता है अल्टर. तो देखते हैं अपन प्रैक्टिकल कैसे इसको प्रैक्टिकली अपन करते हैं. तो ये आपके सामने क्या है, अपना HTML डॉक्यूमेंट है जिसका मैंने बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखा है. यहाँ पे अपन यूज करेंगे img टैग. तो सबसे पहले अपन img टैग है वो स्टार्ट करते हैं. और देखिए एम्प्टी टैग है तो इसको क्लोज नहीं करना होगा. देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ SRC इक्वल, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लोकेशन ऑफ द इमेज, अपनी इमेज की लोकेशन है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे. तो देखिए कैसे अपन इमेज की लोकेशन को पेस्ट करते हैं. सबसे पहले आप कहाँ पे जाते हो, डेस्कटॉप पे जाते हैं. यहाँ पे आपकी कोई इमेज है, जैसे ये इमेज है, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अपन को ओपन विथ. ओपन विथ करके अपन इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाएंगे, और जो अपनी एड्रेस बार है यहाँ से अपन इसका जो एड्रेस है वो कॉपी करेंगे, और देन क्या करेंगे, अपने जो HTML डॉक्यूमेंट है इसके अंदर अपन इसको पेस्ट करेंगे. इसको मैं सेव करता हूँ. इसका आउटपुट अपन देखते हैं कैसा अपना आउटपुट आएगा. तो आप देख पा रहे हैं अपनी जो इमेज है वो इंसर्ट हो चुकी है. अगर आप देख पा रहे हैं तो अपनी इमेज है वो इंसर्ट हो चुकी है. नेक्स्ट अपने एट्रीब्यूट आते हैं, जिसमें आता है एक तो आता है हाइट और विड्थ. देखिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ हाइट, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500. ये पिक्सल के अंदर है. अगर मैं पिक्सल के अंदर करता हूँ तो देखिए अपन यहाँ पे हाइट और विड्थ दोनों ही सेट कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पे कर दिया 500. तो हाइट और विड्थ मैंने 500 पिक्सल है वो सेट किया है. इसका आउटपुट अपन देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं. तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है, इमेज थोड़ी सी छोटी हो गई है. तो ये अकॉर्डिंग टू हाइट और विड्थ ये 500 पिक्सल है ये कवर करती है. द नेक्स्ट इज अल्टर. अल्टर का यूज़ किस लिए करते हैं, टू स्पेसिफाई द अल्टरनेट टेक्स्ट. जब भी आपको अपनी इमेज है वो अगर शो नहीं होती है, तो वहाँ पे आप कौन सा जो टेक्स्ट शो करना चाहते हैं उसके लिए अपन यूज़ करते हैं अल्टर. तो देखिए अगर मैं यहाँ पे अल्टर में यहाँ पे लिख देता हूँ BBVN, तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे अल्टर में लिखा BBVN. अब क्या होगा, जब भी आपकी इमेज अगर शो नहीं होगी तो वहाँ पे क्या शो होगा, BBVN शो होगा. तो देखते हैं अपन प्रैक्टिकल. तो देखिए आपकी इमेज की जगह यहाँ पे क्या शो रहा है, BBVN शो रहा है. तो ये अपना अल्टरनेट टेक्स्ट. नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है बैकग्राउंड. तो देखिए इसमें नॉट में कुछ लिखा है अपन ने नीचे, यू कैन ऐड एन इमेज टू बैकग्राउंड ऑफ द विंडो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी गिवन बिलो. कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड अपनी इमेज को एज ए बैकग्राउंड शो कर सकते हैं. देखिए अभी तक अपन ने जो इमेज को इंसर्ट किया है, अब अगर आप इमेज को एज ए बैकग्राउंड शो करोगे तो पूरे पेज के ऊपर आपकी इमेज शो होगी. अगर आपको ऐसा करना है तो देखो एक सिंपली जो मेथड है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जिसमें अपन क्या करेंगे, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो अपना बॉडी जो अपना टैग है इसमें अपन
एट्रीब्यूट यूज करेंगे जो होगा अपना बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इज इक्वल टू, और यहाँ पे अपन अपना जो इमेज का लिंक है वो पेस्ट करेंगे, जैसे अपन ने पहले कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, कंट्रोल एस करते हैं और अब अपन इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे पेज के ऊपर आपकी इमेज शो हो रही है और ये रिपीट भी हो रही है। रिपीट इसलिए हो रही है क्योंकि इसकी साइज है वो कम है, इसलिए अगेन रिपीट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर अपन इसके अलावा अगर अपन बात करें कि कैसे करें इसको, तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो नेक्स्ट अपना जो मेथड है वो किस जिसमें अपन किसका यूज करेंगे, अपनी CSS का यूज करेंगे। तो CSS का यूज अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टाइल सेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल टाइप इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। और नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट अपन यहाँ पे लिखेंगे बॉडी, बॉडी और देन यहाँ पे अपना कर्ली ब्रेसेस आएगा, देन यहाँ पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और यहाँ पे आएगा इमेज, इमेज देन अपन यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपना जो टेक्स्ट है जो अपन ने कॉपी किया था, जो अपना इमेज का URL है, लोकेशन है, वो अपन यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अपनी स्टाइल को क्लोज करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कर दिया स्टाइल। और अगर अपन मैं देखता हूँ कि इसको मैंने क्लोज कर दिया है, और अगर अपन अपने पेज पे आते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि इमेज में कोई चेंज नहीं है। इट मीन्स कि जैसे आप बैकग्राउंड बॉडी के अंदर सेट कर रहे थे, बॉडी का ऐसे एट्रीब्यूट यूज करके सेट कर रहे थे, वैसे आप CSS का यूज करके भी सेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये अपन ने जो कोडिंग की है वो किसके लिए की है, बैकग्राउंड इमेज के लिए की है। ओके, थैंक यू।